महोबकंठ महोबा बुंदेलखंड में खनन के मामले में हमेशा चर्चा में रहने वाला जनपद महोबा का खनन का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। इसी क्रम में कहीं शासन कहीं प्रशासन द्वारा छापेमारी तो कहीं अवैध खनन की सुर्खियां बटोर रहा है। अवैध खनन पर अंकुश लगाने हेतु शासन प्रशासन डाल डाल तो खनन माफिया पात पात की भांति दौड़ रहे हैं, फिर भी जिले में अवैध खनन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। खनन माफिया बेखौफ होकर लाल सोना गुलाबी गांधी की आड़ में जमकर लूट रहे हैं जीवनदायिनी नदियों की जलधारा को छेड़छाड़ कर लाल सोने की लूट अवैध तरह से जारी है। अवैध खनन को लेकर सरकार की खनन नीतियों को माफियाओं ने फैल कर दिया है। सारे नियम कानून कायदे को ताक पर रखकर नदियों का दिन रात भारी पोकलैंड मशीनों द्वारा सीना चीर कर मोरंग निकाली जा रही है। मामला महोबकंठ थाना क्षेत्र के महुआ इटोरा पहाड़िया में दिन रात अवैध खनन को बालू माफियाओं द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार की खनन नीति व एनजीटी के नियम के अनुसार नदी किनारे व नदी की जलधारा प्रभावित कर खनन करना पूर्ण रूप से अवैध है, लेकिन बालू माफियाओं द्वारा जनपद की सरहद पनवाड़ी व महोबकंठ से हो रही जीवनदायिनी वर्मा नदी किनारे पोकलैंड मशीनों का प्रयोग कर नदी किनारे बड़े बड़े झील नुमा गड्ढे कर दिए गए हैं, जिससे नदी की भौगोलिक स्थिति खराब हो गई है। पोकलैंड मशीनों द्वारा अवैध खनन कर रही हैं, जबकि एनजीटी के नियमानुसार नदी की जलधारा या नदी किनारे प्राकृतिक संचलना के कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती और भारी पोकलैंड मशीनों द्वारा खुदाई व लोडिंग अवैध है। इसके बावजूद ये खनन माफिया सारे नियम कायदे कानून ताक पर रखकर नदी से रेत निकाल रही हैं। आखिर कब होगी इन खनन माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई? जिले में माफियाओं के द्वारा अवैध खनन कर बिना एमएम के 11 के लोडिंग जारी कर रहे हैं, जिससे सरकार को राजस्व में बट्टा लग रहे हैं। भारी मशीन रात दिन गरजती रहती हैं। महोबा जिले की वर्मा नदी में पट्टा धारक कौशल्या चौबे के द्वारा एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए हैवी पोकलैंड मशीनों से खनन कर रही हैं, जबकि शासन के आदेश अनुसार नदी किनारे 3 मीटर से अधिक मोरम खनन नहीं किया जा सकता, लेकिन खनन माफियाओं द्वारा सारे नियम को ताक पर रख कर लूट रहे हैं लाल सोने की लूट में क्या जनपद के शासन प्रशासन ने खुली दे रखी है छूट? जिम्मेदारों को मालूम है कि जल जंतुओं की खनन माफियाओं द्वारा हत्या की जा रही है। वहीं पूर्व प्रधान धर्मजीत वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि शेखर